स्वागत है आप सभी का हमारे जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। तो आइए, आज का क्लास है जो मैथ का 4 है, ठीक है ना, क्लास 4 है, यानी रेलवे ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस का। ये सब जो भी सवाल बताए जा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आइए देखते हैं जो नंबर सिस्टम से आने वाले क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, वो संख्या तो पता नहीं है, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए वह अपनी तिगुनी वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, यदि किसी संख्या में x यानी संख्या मान लेते हैं 21 को क्या कर रहे जोड़ा जाए, यानी 21 को जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ा जाए वह अपनी तिगुनी, वही संख्या वह अपनी तिगुनी यानी 3x हो जाएगा, तो 7 कम हो जाती है, तो 7 क्या हो जाता है, इसी में 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है, ठीक है ना। बस रुकिए जाइए मत, अब इसको क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं, तो 3x इधर ही x आएगा तो -x हो जाएगा, फिर इसके बाद जोड़ देते हैं यानी 21 बराबर 21 माइनस है तो प्लस आ जाएगा 7 तो हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x ना 2x बराबर 28, ठीक है, तो x बराबर 28 बटे 2 भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 14 × 28 यानी x बराबर यानी वो संख्या कौन सी है 14 है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में आप झट से बना लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। यदि किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक 7 से अधिक है, यदि हम संख्या में 63 घटाए तो प्राप्त नई संख्या अंकों का अदला बदला कर बनी है संख्या का पता लगाएं, ठीक है ना, वो संख्या का पता लगाना, पहले ध्यान से इसे समझेंगे, फिर से लिख लीजिए। किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक 7 से अधिक है, यदि हम संख्या में 63 घटाए तो प्राप्त नई संख्या अंकों का अदला बदला कर बनी यानी अदला बदला करके बनी है संख्या का पता लगाए, ठीक है ना। तो हम इसे ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है ना, बस रुकिए जाइएगा मत, ऑप्शन से बनाएंगे देखते हैं, यानी 8 कितना है 18 है। तो इसमें पूछा क्या है, किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक से 7 अधिक है, यदि हम किसी दो देख ले, आइए देखते हैं फिर से, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया था तो फिर से लिखना पड़ा है। तो किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो नई संख्या अंकों के अदला बदला कर बनी है तो संख्या का पता लगाएं, ठीक है ना, बस रुके ही रहिए। अब पूछ क्या रहा है, दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, दहाई जो अंक है इकाई अंक से 7 अधिक है, तो हम इसे ऑप्शन से बनाएंगे, इस सवाल को ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है ना, यानी यहाँ
कितना है 81। तो इसमें पूछ क्या रहा है, दहाई अंक इकाई अंक से, यानी यह जो है इकाई और यह है दहाई, तो इसमें पूछा दहाई अंक से, दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, तो यह दहाई हुआ या अरे यह इकाई हुआ या दहाई अंक हुआ, तो इसे कितना अधिक है, इससे 7 अधिक है, यानी यही है, यानी 81 है। तो इसमें और क्या पूछा है आगे, 7 अधिक है, यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या, ठीक है ना, तो हम 81 में से 63 घटा लेंगे तो हो जाएगा 11, तो 11 में से 8 यहाँ बचा है, यानी 18 हो गया, ठीक है ना, 63 घटाए तो प्राप्त नई संख्या को हम कहा अदला बदला, यानी इसी अंक का क्या हुआ है, अदला बदला हुआ है, ठीक है ना, यानी यही चेंज हुआ है, यानी ये जो 81 यही आपस में क्या हुआ, बदल गया है, तो यही संख्या आपस में अदला बदला कर बनी है, तो संख्या का पता लगाए, तो यही संख्या यानी 81, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको समझ में आया होगा, तो समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जो लोग अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जो भी क्वेश्चन ये बताया जा रहा है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके आगामी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।